के बाद भी अगर ये नहीं माने तो साथ साथ में कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। किसी राज्य के लोगों के खिलाफ बोलने वाले राज ठाकरे या किसी और व्यक्ति के खिलाफ जब कार्रवाई हो सकती है तो पूरे महिला समाज के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये सवाल है। ये उपाय अगर हम करेंगे तो जायसवाल का तो जो होना है वो सवाल और है, लेकिन आने वाले दिनों में महिलाओं के खिलाफ कोई मुंह खोलने के पहले 100 बार सोचेगा। इतना अगर हो तो आज का ये कार्यक्रम सार्थक हुआ ऐसा मैं कहूंगा। मैं नरेंद्र जी का आभारी हूं कि आपने समय निकाला और इस कार्यक्रम में आए, साथ में आप सारे करोड़ों दर्शकों का भी आभारी हूं कि आपने समय निकाला। क्या हो बिंदास बोल में मुद्दे आप हमें बता सकते हैं। हमारा पता है बिंदास बोल, सुदर्शन न्यूज, A88 सेक्टर 4, नोएडा 201301, उत्तर प्रदेश। बिंदास बोल @sudarshantv.com पर आप हमको मेल कर सकते हैं और facebook.com/sudarshannews पर आप हमें सोशल नेटवर्किंग साइट की भी द्वारा जुड़ सकते हैं। आप हमारे कार्यक्रम 24 घंटे लाइव देखने के लिए www.sudarshantv.com पर भी जा सकते हैं। और अगर आपको ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम कभी भी देखने हैं, अब तक करीब 250 बिंदास हुए हैं, वो सारे बिंदास आपको उपलब्ध है youtube.com/sudarshantv चैनल पर। आज के लिए इतना है, जय हिंद। अपनी पुरानी होती चली जाए, वो मजा नहीं रहता है, वो मजा नहीं रहता है।